तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो सब? आपको बहुत अच्छे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरी दो आपके साथ में, आपकी दो मेरे साथ में। तो वैसे अभी फिलहाल टाइम हो चुके हैं दोपहर के 1 बज चुके हैं। एंड गाइस, आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कोरबा से। तो गाइस, कल हम लोग कुरकुरी से कोरबा आए, जैसे कि आपको लास्ट में देखा होगा। एंड गाइस, हम लोग कल गए थे मॉल, गए थे मॉल घूमने के लिए, बहुत इंजॉय किया। अभी का सीन ऐसा है कि अभी हम जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले भाई? सतरेंगा डैम। फाइनल अभी हम घर से निकल चुके हैं सतरेंगा डैम के लिए। एंड आज हमारे साथ में है हमारी प्यारी एक्टिवा स्कूटी। ओके सो गाइस, फाइनल अभी हम पहुंच चुके हैं सतरेंगा। सतरेंगा डैम तो नहीं पहुंचे हैं, बट यहाँ से स्टार्ट होता है। वेलकम टू सतरेंगा। यहाँ से टिकट कटाएंगे बाइक वाहन ना, बाइक के लिए की? हाँ, बाइक के लिए टिकट 20 रुपया। दो पहिए के लिए 20 रुपया भैया, और 4 पहिए के लिए 40 रुपया। बस के लिए 120 रुपया। ये भी सही लग रहा है, दे सकते हो। अभी तो सुंदरता स्टार्ट हुई है। फाइनली गाइस, अभी हम यहाँ से इंटर कर रहे हैं, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। गाइस देखो, उस पहाड़ के ऊपर में ना, पर्वत के ऊपर में झंडा है, पता नहीं किस स्टेट के ऊपर। बहुत अलग ये ऐसे है, खतरनाक। कोई ना कोई क्लाइंबिंग भाई, मैं चल सकता हूँ यार, मैं चल सकता हूँ। पता है मछुआरे है ना? हाँ, तो मछुआरे भी 50-50 रुपये में, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं घूमाते यार, वही तो दिक्कत है सबसे। फाइनली गाइस, जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था, वहाँ पहुँच चुके हैं सतरेंगा डैम, मिनी गोवा। यहाँ पर आने के लिए मैं बहुत टाइम सोचा था कि कब आऊँगा, बट फाइनली भाई, फाइनली आखिरकार मैं आ गया यहाँ पर सतरेंगा डैम। भाई यहाँ के पानी को मैं अपने हाथों से छूला यार, इतना अच्छा सा लग रहा है ना। जिस जहाँ जाओगे ना और वहाँ पहुँच जाओगे ना, तो अच्छा लगता है यार। पानी कम हो गया इधर तक होता होगा ना, वहाँ तक होता होगा। अभी गर्मी का मौसम है ना भाई, कैसे इनसे पूछते हैं। यहाँ आए और नाव का मज़ा ना ले तो फिर भाई क्या ही मज़ा यार। अंदर तक जाना है अपन को, पर मुझे नहीं लग रहा कि अंदर में गड्ढा होगा, आस पास तो नहा ही सकते अपन, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे देख सकते यहाँ पर। भैया कितनी दूर तक लेके जाते हो? कितनी दूर तक? झंडा तक? आगे तक नहीं जाते? अब वो नहीं चलता क्या? क्या बोलते उसको? बोट बोट बंद हो गया। अच्छा। तो गाइस भैया बोल रहे हैं कि बोट बिगड़ चुका है, सब बिगड़ चुका है। इसी में करते हैं, वहाँ तक चले जाएगा, झंडा तक। वो झंडा कहाँ? वो दिख रहा है ना? चल कोई नहीं, वहाँ तक चल जाए क्या? चल जाते वहाँ तक। कहाँ तक? उस झंडा तक। अपन थोड़ा घंटे से जाते हैं। दूसरा कोई है ही नहीं ना, वो नहीं चलेगा, चल खराब हो गया बोल रहे। ये अभी तैर जाना पड़ेगा, तैर के जाएंगे भाई सतरेंगा। आया तो नाव में नहीं जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा यार। लगा रहे हैं हम लोग को नहा देना चाहिए यहाँ पर। यहाँ तक जाएंगे कैसे भैया? अच्छा लेके आ रहे, पास लेके आ रहे भाई। मैं सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम में चल रहा हूँ इसमें। फाइनली गाइस, हम नाव में बैठ चुके हैं। चलिए भैया, रेडी टू गो मैन। एक्साइटेड ब्रो? एक्साइटेड। तू तो आया होगा ना, किया पहले भी? किया बहुत बार। चलो भाई, भगवान को कैसे ये देखो यार, कुछ करते हो। चप्पू चलाने का भी स्टाइल होता है। अपन चलाएंगे तो चला पाएंगे ना? बहुत ताकत लगाना पड़ता होगा भैया। हाँ। कितने साल का एक्सपीरियंस है भैया? कितने साल का एक्सपीरियंस है बोल रहा हूँ, कितने साल से करते आ रहे हैं? मतलब ये 30 साल। अच्छा, आप 30 साल से? अच्छा, 5 साल से। ये करने के लिए भी एक्सपीरियंस ही रहता है भाई। अब सही चल रहा है, तेज चल रहा है। आ हा मैन उड़ता फिर मस्त गगन में। देखते हैं दूर आ सके भाई। देखो वहाँ से स्टार्ट किए थे अपन, देख रहे हो भाई, बहुत अंदर आ चुके हो। एंड हम लोग को वहाँ से जाना है, वो झंडे तक, वो रेड तक लेके जाओगे रेड झंडे तक। चलो भाई, कितना काफ़ी है भाई। इधर कितना गड्ढा भैया? 20 फीट 30 फीट। बाप रे, 20 फीट 30 फीट। ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हमारे फोन को ना उधर लेके नहीं जाना उधर भाई। बहुत बजा रहे हैं भाई, बहुत बजा रहे हैं, बहुत बजा। ऐसा लग रहा है समुद्र में आ
मिनी गोवा ऐसे थोड़ा ना बोलते भाई, कैसे इसको छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। मैं सोचते बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत दूर है लगभग ये डैम कितनी 7 बज जाएगा आने जाने में 7 बज जाएगा, मैं आई मीन 7 बज जाएगा। अभी दोपहर के ऑलमोस्ट 2 या 3 बज चुके हैं। ये 3 किलोमीटर पर आर के से चल रहा है। हाँ हाँ ये तो है। तो कितना दूर है भैया ये, मतलब कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। सीरियसली अमन क्या बोलते हैं? अरे साले 7 बज जाएगी भाई। गैस 10 किलोमीटर यहाँ से वहाँ तक भैया बता रहे कि 10 किलोमीटर है आने जाने में। भाई शाम हो जाएगा, रात भी हो सकता है। एंड बहुत ज़्यादा गहराई है एंड देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी से हम पहुँच सकते हैं। 450 फीट गहरा गहराई है। आई कैंट नॉट बिलीव दिस गैस बट बिलीव दिस इंग्लिश विश्वास तो ऐसा नहीं लग रहा है बट भाई सीरियसली है। भैया लोग 30 साल से यहाँ पर हैं तो इनको भाई हर चीज़ के यहाँ पर एक्सपीरियंस है, सब कुछ क्या इनको पता है। यहाँ पर आते हो तो भाई फोन को तो बचा के एक बार गया तो अमन मेरे भाई राम नाम सत्या हो, फिर आपको ऐसे ही वापस होना पड़ेगा। झंडा पहुँचने में कहाँ है झंडा? झंडा मतलब लगभग लगभग पहुँचने वाले हैं। गाइस वहाँ से हम इतनी दूर तक आ चुके हैं एंड वहाँ तक पहुँचेगा तो बहुत देर लग रहा है। ऐसा रहना है कि मतलब समुद्र में ही ऐसे होता होगा ना कि यहाँ से उस पार दिखा देता है, लगता है कि हम आराम से पहुँच जाएंगे बट बहुत दूर है भाई। फाइनली गाइस हम यहीं तक सफ़र करने वाले हैं। हम लोग का सफ़र यहीं तक था, झंडे तक, यहीं तक। यहाँ गड्ढा कितना है भैया यहाँ पर बीच में? 100 फुट और 100 फुट। तो गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं, हम लोग का सफ़र यहीं तक था, हम लोग का जर्नी यहीं तक था। ये मौसम की पानी पानी हो सके पानी मजे ले लेते हैं अपन, फोन तगड़े से पकड़ते हैं। खेल 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 गाइस, ये मजे अब दीवारे कहाँ मिलेंगे बताओ ना। गाइस आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करना भाई, क्योंकि एक बार फोन गिरा ना तो भूल ही जाओ, फोन को भूल ही जाओ भाई। भूल ही जाओ इसको। मिलना तो है नहीं, कूदने की जरूरत भी नहीं आप लोगों को, कूदना ही नहीं पड़ेगा। जो भी ये भगवान की कृपा है जिसकी वजह से हम घूम रहे हैं, वापिस जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचे थे अपन। झंडा तक भाई लग नहीं रहे, पता है कहाँ पहुँच गए अमन? वहाँ तक पहुँचे थे अपन, खाई सफर वहाँ तक पहुँचे थे, कहाँ झंडा वहाँ तक। एंड अभी हम इधर पहुँचते हैं, विश्वास नहीं मेरे, बहुत दूर है सच में, बहुत दूर है। अभी हम लोग को यहाँ तक आने आने में कितना टाइम लगा होगा? लगभग 20 मिनट लग गया। अभी वहाँ पहुँचते हैं 10 मिनट टाइम है भाई, लगता है बहुत पास है यार बट दूर बहुत है। ओके सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंचने वाले हैं, हम यहाँ से स्टार्ट किए थे एंड वहाँ तक गए थे भाई, वहाँ तक बहुत दूर तक गए थे। चलो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे अपन। हाँ आराम से आराम से, चलो मज़ा आ गया। जो हम देखते थे आज हम खुद पानी के अंदर गए थे और वहाँ तक गए थे। ओके सर गाइस यहाँ पर हम थोड़ी देर बहुत एंजॉय किए, वहाँ बीच तक गए थे भाई, बहुत मज़ा आया। यहाँ मेरा सपना था भाई, यहाँ मेरा आने का सपना था, फाइनली पूरा हो गया, बहुत मज़ा आया। तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी हम जाने वाले हैं यहाँ, और एक क्या नाम है अमन, क्या नाम है उसका? रानी झरिया, वहाँ पर जाने वाले हैं। तो वही बहुत फेमस जगह है, वहाँ चलते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं, इन्जॉय करते हैं, वहाँ चलते हैं एंड मजे करते हैं। सुबह ही फायदा भी यहाँ कितना अच्छा लगा ना यार, बिल्कुल सुकून मिल गया।